नायक और खलनायक, विद्वान और महारथी, कला के ऐसे सितारे जो अब भी आसमान में चमकते हैं और ऐसी हस्तियां जो इतिहास में अमर है, उजले व्यक्तित्व के धनी भी और स्याह पहलुओं के लोग भी, ये वो लोग जो मशहूर हैं, ये हैं नामी गिरामी। उत्तर प्रदेश का कानपुर शहर। यहाँ एक घर में हलचल मची हुई थी। एक औरत जिसका नाम था सरस्वती, वो घबराई हुई नजरों से किसी को ढूंढ रही थी। बार बार वो साड़ी से माथे पर आ रहे पसीने को पोंछती, कभी दौड़कर घर के अंदर जाती तो कभी बाहर आ जाती। तभी उसने देखा कि उसके बेटे के दोस्त वहीं पास से गुजर रहे हैं। सरस्वती ने उन्हें आवाज़ देकर अपने पास बुलाया। बात करते हुए अभी कुछ ही देर हुई थी कि वो भागकर घर के अंदर गई, कुछ पैसे उठाए और लड़कों के साथ कानपुर सेंट्रल स्टेशन की तरफ चल दी। उन लड़कों ने सरस्वती को बताया था कि उसका बेटा चुपके से मुंबई भाग रहा है। वो लोग स्टेशन पर पहुंचे और मुंबई जाने वाली गाड़ी के बारे में पता किया। गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी थी। सरस्वती गाड़ी के हर डिब्बे को खंगालने लगी। अपने बेटे का नाम पुकारते हुए वो उसे ढूंढ रही थी। 5-6 डिब्बे तलाशे जा चुके थे लेकिन उसके बेटे का कुछ पता नहीं था। अब वो S3 डिब्बे में थी। तभी ट्रेन का हॉर्न बजा। गाड़ी प्लेटफॉर्म छोड़ने ही वाली थी। सरस्वती की घबराहट और तेज हो गई, मगर तभी उसे लंबी कदकाठी वाला 21-22 साल की उम्र का एक लड़का दिखा। उसे देखते ही वो उछल गई। सरस्वती का बेटा वहीं पास की सीट पर बैठा था। उसने भी अपनी माँ सरस्वती को देख लिया था। डर के मारे वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और सरस्वती की तरफ देखते हुए बोला, माँ मुझे मुंबई जाने दो। मगर सरस्वती फैसला करके आई थी। उसने अपने बेटे का हाथ पकड़कर उसे ट्रेन से नीचे उतार लिया। मुंबई जाने की उस लड़के की कोशिश अधूरी रह गई, मगर कुछ महीने बाद वो फिर से मुंबई की ट्रेन पकड़ने वाला था और ये ट्रेन उसे उसकी मंजिल के करीब ले जाने वाली थी। ये लड़का आने वाले दिनों में कॉमेडी किंग के नाम से पहचाना जाने वाला था। नाम था राजू श्रीवास्तव। नमस्कार, मेरा नाम अमन गुप्ता है और आज तक रेडियो पर नामी गिरामी में आज कहानी स्टैंड अप कॉमेडी को अलग पहचान देने वाले राजू श्रीवास्तव की। दोस्तों, अपने देश में जब टीवी चैनल आए तो सबसे पहला चैनल था दूरदर्शन। एकदम गरीब, उसके पास कोई प्रोग्राम ही नहीं थे। जब खोलो तो यही प्रोग्राम आता था, आज गांव के मुखिया चावल की फसल को चूहों से कैसे बचाएं, ये उपाय बताएंगे। कि खेती नहीं है, वो भी कहते थे अच्छा बताओ, दूसरा चैनल है नहीं, जो देखना है इसी को देखना है। इतना लाड़ में आता था, एक बार में ऑन नहीं होता था, पहले 5 मिनट गर्म होता था। आपने खोला पर यूं गर्म धीरे धीरे खुलता था, तब तक चित्रहार के 2 गाने निकल जाते। राजू की कॉमेडी का मिजाज सबसे जुदा था। वो आम जिंदगियों के किस्से को आकार देते। वो कहते कि अगर जंगल के जानवर आपस में बात करेंगे तो कैसे करेंगे, मुंबई की लोकल ट्रेन क्या महसूस करती होगी जब उसमें जरूरत से ज्यादा लोग भर जाते होंगे। राजू की इसी कॉमेडी को आज तक .in के एग्जीक्यूटिव एडिटर पाणनी आनंद कुछ इस तरह परिभाषित करते हैं। राजू श्रीवास्तव के जब चरित्र को हम देखते हैं एज ए कॉमेडियन, तो मैं ये पाता हूं कि उत्तर भारत से कॉमेडी में, जो कि सिनेमा से बाहर की कॉमेडी है, राजू श्रीवास्तव पहला नोटिसेबल नेम मुझे दिखाई देता है। और उसकी वजह यह है कि अगर आप जॉनी वॉकर, जॉनी लीवर या उत्पल दत्त, इन लोगों को देखें तो इनकी पहचान जो है वो सिनेमा की वजह से है। ये मंच के भी रहे हैं लेकिन मूल पहचान इनकी सिनेमा की वजह से रही है। राजू श्रीवास्तव सिनेमा में जाके भी कभी भी सिनेमाई पहचान बना नहीं पाए, क्योंकि उनको जिस तरह के चरित्र, जिस तरह के किरदार मिले वो बहुत हल्के थे, बहुत सस्ते थे, बहुत छोटी भूमिकाएं। और राजू श्रीवास्तव एक्टिंग करते हुए कभी भी कॉमेडी में कोई प्रभाव नहीं पैदा कर पाए। तो एज अ एक्टिंग कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव एक वीक करेक्टर के तौर पर दिखाई देते हैं। मैं माफ़ी चाहता हूं कि मैं उनकी ऑबिचुरी में ये बात कह रहा हूं, लेकिन ये उनके बारे में कहते हुए मुझे कोई मलाल नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ उत्तर भारत से, खास करके गैंजेटिक प्लेन्स, उत्तर प्रदेश की जो ज़मीन है, जो पहला नोटिसेबल नेम स्टैंड अप कॉमेडी का है, वो राजू श्रीवास्तव का है।
करीब 5 दशक पुरानी बात है। राजू उन दिनों कानपुर के एक स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे। एक दिन उन्होंने देखा कि उनका क्लासमेट संतोष क्लास के अंदर बेल्ट घसीटता हुआ बच्चों से पूछ रहा था कितने आदमी थे। उसकी इस बात पर लड़के, खासकर के लड़कियां, ठा के मारकर हंसे जा रही थी। राजू को लगा कि भाई ऐसी कौन सी बात बोल दी इसने कि जो लड़कियां इतना हंस रही हैं। उन्होंने संतोष से पूछा तो पता चला कि वो किसी शोले फिल्म के गब्बर सिंह की नकल उतार रहा था। अब राजू के घर में सिनेमा देखने की पाबंदी थी, राजू ज्यादा सिनेमा के बारे में जानते भी नहीं थे, तो उन्हें बस संतोष ही एक सहारा दिखाई पड़ा। उन्होंने संतोष से अगला सवाल किया, भाई ये शोले कहाँ देख सकते हैं? जवाब आया, सिनेमा घर में। अच्छा, और वहाँ क्या होगा, मुफ्त में दिखाएंगे या पैसा मांगेंगे? भाई पैसे लगेंगे राजू, पूरे 1.90 रुपये, संतोष ने कहा। संतोष की बातें सुनने के बाद राजू पैसे जुटाने की जुगत में लग गए। बड़ी मशक्कत से शोले देखने के लिए पैसे जोड़े और पहुंच गए सिनेमा घर। अंदर पहुंचे तो ऐसा लगा कि किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए। माहौल एकदम अलग। तभी सामने पर 6 फीट लंबा एक आदमी आया और उसको देखते ही लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे। अगल बगल में लोगों से पूछा तो मालूम चला वो 6 फीट लंबा आदमी अमिताभ बच्चन था। दी लल्लन टॉप में सिनेमा एडिटर गजेंद्र भाटी बताते हैं कि इस किरदार का असर राजू पर बहुत गहरा हुआ और इसने उनकी शोहरत की पटकथा लिख दी। राजू श्रीवास्तव की जिंदगी को डिफाइन करने वाला जो फैक्टर था वो अमिताभ बच्चन ही थे या उनकी मिमिक्री ही थी, क्योंकि बचपन में राजू के अंदर हंसी मजाक वाली प्रवृत्ति तो थी लेकिन उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं थी। वो कभी रिश्तेदारों की मिमिक्री कर देते थे, कभी इंदिरा गांधी वगैरह की कर देते थे, नेताओं की कर देते थे, लेकिन कोई एक ऐसा डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं था जिसने उनकी आइडेंटिटी भी पैदा की और उनको रोज़गार भी दिया और उनकी एक लेगेसी भी तैयार की। गांव में, कस्बे में जो इवेंट्स होते थे, मेले लगते थे, उनमें जाते थे तो लोग उनको जूनियर अमिताभ बोलने लग गए। हर जगह ये मिमिक्री उनके लिए रिश्ते और दोस्तियां बनाती चली गई और बॉम्बे में जब पहली बार आए तब उनको कुछ नहीं आता था, सिर्फ अमिताभ की मिमिक्री ही ऐसी चीज़ थी जो आकर्षण थी उनके भीतर। राजू अब अमिताभ की मिमिक्री करने लगे थे। धीरे धीरे ये बात आस पड़ोस में फैल गई। जानने वाले लोग उनको अपने यहाँ पार्टीज में अमिताभ की मिमिक्री करने के लिए बुलाने लगे। पर राजू की माँ को ये सब पसंद नहीं था। माँ कहती कि राजू देखो, ये सब नौटंकी करने से घर नहीं चलेगा, रोटी नहीं मिलेगी। मगर राजू माँ की बातों का अनसुना कर दिया करते। हर बार की तरह एक रोज़ वो इसी तरह मिमिक्री कर रहे थे। मिमिक्री ख़त्म हुई तो तालियां पिटी। उन्हीं तालियों के बीच एक शख्स अपनी जगह से खड़ा हुआ और राजू की तरफ बढ़ा। पास आकर उसने राजू की जेब में 50 रुपये का नोट रख दिया और आशीर्वाद दिया। ये मिमिक्री से की गई राजू की पहली कमाई थी और इसी ने उनके मुंबई जाने की इबारत लिखी। हास्य कलाकार का सपना पाले राजू मुंबई आ गए। ये 1881-82 का साल था। अब वो आ तो गए थे लेकिन काम नहीं था। उस समय मुंबई में वैसे भी कॉमेडियंस की खास इज्जत नहीं थी। उनको बस बड़े बड़े म्यूजिकल या डांस शोज में फिलर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। तभी राजू को एक आर्केस्ट्रा ग्रुप के बारे में मालूम पड़ा। तब मुंबई में कॉमेडी ग्रुप्स को आर्केस्ट्रा ग्रुप्स कहा जाता था। राजू ने ऑडिशन दिया और सिलेक्ट हो गए। ग्रुप को मशहूर अदाकारा और प्रेजेंटर तबस्सुम लीड किया करती थी। जॉनी लीवर और सुदेश भोसले जैसे कॉमेडियंस इसका हिस्सा थे। उनके ग्रुप की पूरी बस निकलती और सब 1 से 1.5 महीने तक घूम घूम कर शोज किया करते। राजू भी अपने आप को अब तक मान चुके थे। उन्हीं दिनों मिथुन चक्रवर्ती की डिस्को डांसर रिलीज हुई और वो रातों रात फेमस हो गए। उनके डायलॉग डिलीवरी की खूब चर्चा थी। अब होता यह कि राजू स्टेज पर जाकर धर्मेंद्र, अमिताभ जैसे एक्टर्स की मिमिक्री करते तो भीड़ से आवाज आती, मिथुन मिथुन का करो कुछ। कई बार ऐसा हुआ, ग्रुप में से किसी ने मिथुन को इससे पहले नहीं देखा था और ना आवाज सुनी थी, तो दिक्कत यह थी कि वो मिमिक्री कैसे कर देते। ये सब हो ही रहा था कि पता चला कि वो लोग जिस बस से शो करने जा रहे हैं उसके ड्राइवर ने मिथुन की फिल्म देख रखी है। राजू झट से ड्राइवर के पास पहुंचे और मिथुन के बोलने का लहजा सीखने लगे। रास्ते भर वो ड्राइवर को सुन सुनकर मिथुन की मिमिक्री करने की कोशिश करते। जब शो शुरू हुआ तो उन्होंने मिथुन की मिमिक्री करनी शुरू कर दी। मामला चल पड़ा, लोग खुशी से झूम उठे, राजू हिट हो गए। मगर सुपरहिट होना अभी बाकी था और ये मौका भी जल्द आया जब उनकी मुलाकात टी सीरीज बैनर के मालिक गुलशन कुमार से हुई। गजेंद्र भाटी, राजू श्रीवास्तव छोटा मोटा काम कर रहे थे और उस दौर में
ये जो कैसेट्स होती थी ये बहुत बड़ी चीज़ होती थी। इन कैसेट्स का रिलीज़ होने का मतलब ये होता था कि यू हैव अराइव्ड, आप कुछ हो गए हैं। और टी सीरीज़ उस दौर में कैसेट्स निकालता था जिसमें कॉमेडी के एक्ट्स होते थे, जॉनी लिवर उसके सुपरस्टार हुआ करते थे, उनकी कैसेट्स थी, उनकी बिक्री सबसे ज़्यादा होती थी और वो बहुत इम्पेक्टेबल मिमिक्री करते थे सभी की, एक से बढ़ के एक करते थे। बड़ा सपना था जो भी मिमिक्री आर्टिस्ट थे दूसरे लोग थे कि हमारी भी कैसेट निकले। तो एक बार गुलशन कुमार ने उनको, राजू श्रीवास्तव को परफॉर्म करते हुए देखा और फिर उन्होंने ऑफर किया कि भाई तुम्हारी निकालते हैं कैसेट। और हंसना मना है नाम से राजू की कैसेट भी बाजार में आई। वो करीब 1 घंटे की कैसेट थी और उसके अंदर होलसम एक एंटरटेनमेंट था, बहुत सारे किरदार थे, ग्रामीण किरदार भी थे, बहुत सारी मिमिक्री भी थी, बॉम्बे के लोकल जो जगहें थी उनको किरदारों में कन्वर्ट करके क्रिकेट स्पोर्ट्स इन सबको मिला जुलू के सब उन्होंने एक बहुत अच्छा एक्ट किया था। इससे उनके स्टार्डम में काफ़ी फर्क पड़ा था, एक लेजिटिमेसी मिल गई थी बॉम्बे के अंदर, प्रोफाइल में एक हैवी चीज़ ऐड हो गई कि भाई मैंने ये कैसेट बना रखी है। राजू श्रीवास्तव कॉमेडी में अब जाना पहचाना नाम हो गया। उनके चुटकुलों पर ठहाका लगाते हुए 90s के लोग 20s में कदम रख चुके थे। नए नए चैनल्स की शुरुआत हो रही थी, TRP की होड़ में आगे निकलने के लिए चैनल्स कुछ नया करने की सोच रहे थे। और इसी कड़ी में राजू के पास Star 1 चैनल से कॉल आया। चैनल पर द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज नाम से एक शो शुरू होने वाला था। चैनल उन्हें शो का हिस्सा बनाना चाहता था। राजू को लगा कि उन्हें जज के लिए बुलाया जा रहा है, लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो मालूम पड़ा कि ऑडिशन देना है और एक पार्टिसिपेंट के तौर पर उन्हें परफॉर्म करना है। वो वहां से लौट आए। शो के डायरेक्टर पंकज सारस्वत ने उन्हें फोन किया और कम से कम एक एपिसोड करने की बात कही। राजू फिर पहुंचे। सुनील पाल, एहसान कुरैशी, भगवंत मान, ये सब नए पार्टिसिपेंट थे। सब राजू को पहले से जानते थे, कई तो उन्हें अपना आदर्श मानते थे। राजू को बड़ा अटपटा लगा, वो फिर लौट आए। अब की बार पंकज सारस्वत सीधे उनके घर पहुंच गए। उन्हें समझाया कि देखो, अमिताभ बच्चन जैसे बड़े पर्दे के स्टार जब TV पर कौन बनेगा करोड़पति जैसे शो कर सकते हैं, तो आपको क्या दिक्कत है। अमिताभ बच्चन की बात आई तो राजू मान गए और एक एपिसोड करने के लिए हामी भर दी। जब प्रोमो आया तो कई बड़े ऑर्गेनाइजर्स ने उनको फोन किया, कहा कि ये शो ना करो। राजू का मन फिर ठिठक गया। लेकिन जब पहला एपिसोड आया तो राजू की कॉमेडी के लोग दीवाने हो गए। हर कोई पेट पकड़कर हंस रहा था। पहला एपिसोड हिट हो गया। नतीजन लोगों की फरमाइश पर राजू ने शो करना चालू रखा और देखते ही देखते राजू घर घर में पहचाने जाने लगे। ये उनके करियर का पीक पॉइंट था। और इसी बीच उनका एक नया नामकरण हुआ, गजोधर भैया। उन्होंने पहली बार गजोधर के कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया एक कॉमेडी शो के अंदर, टीवी कॉमेडी शो में, और उसको जैसा प्रतिसाद मिला तो वो एक कहते हैं ना कि स्वीकृति थी कि भाई ये जो आप कर रहे हो ये सबसे अलग है, जो ग्रामीण जीवन है, कस्बाई जीवन है, उसके जो ये उत्तरी भारत के जो ऐसे किरदार है ये आपकी तरह कोई नहीं कर रहा है, आप जितनी बारीकी से उनकी छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस कर रहे हो वैसे कोई नहीं करता है। गजोधर का किरदार था वो उनके गाँव के ही एक बाल काटने वाला व्यक्ति था, उसी से प्रेरित पूरी तरीके से वो किरदार था। बहुत सरल आदमी है, सर के पीछे हाथ रख के और फिर वो बेतकल्लुफी के साथ और भोलेपन के साथ कहानियाँ सुनाते और उसकी एक एक लाइन से हंसी आती थी। जैसे कि वो एक लाइन बहुत लोकप्रिय हुई थी कि हाँ तुम कर लो पहले अपना, और वो आज भी राजू श्रीवास्तव को डिफाइन करती एक तरीके से। कॉमेडी किंग के नाम से मशहूर हो चुके राजू का झुकाव राजनीति की तरफ भी हुआ। 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान वो उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी से जुड़ गए। पार्टी ने उन्हें कानपुर से टिकट देने का वादा भी किया। चुनाव को अभी साल भर का वक्त था। इस बीच पार्टी को मजबूत करने के लिए राजू ने कॉमेडी से ब्रेक ले लिया और अपने क्षेत्र में जनसभाएं करने लगे। लोगों से तारीफें भी मिलने लगी, मगर बीतते समय के साथ राजू की परेशानियां भी बढ़ती चली जा रही थी। कानपुर में ज्यादातर नेता राजू के समर्थन में नहीं थे। पार्टी से जिस समर्थन की वो उम्मीद कर रहे थे वो भी उन्हें नहीं मिल रहा था। और इससे परेशान राजू पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह के अलावा तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से भी मिले। दोनों ने ही आश्वासन दिया कि वो राजू की बात पर एक्शन लेंगे, कुछ हल निकालेंगे। लेकिन सिर्फ आश्वासन ही मिला, बदलाव के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ। और आखिरकार तंग आकर राजू ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। मगर राजनीति का भूत अभी भी सिर पर था। नतीजन उन्होंने BJP का दामन थाम लिया। दोनों हाथों से BJP ने उनका स्वागत किया, लेकिन इसने राजू के जीवन को कोई मुकाम नहीं दिया, बल्कि वो आए दिन किसी न किसी कॉन्ट्रोवर्सी का हिस्सा बनते रहे। गजेंद्र भाटी से सुनिए। राजू श्रीवास्तव का राजनीति में आना या राजनीति करना शुरू करना
लेटेस्ट जो उनकी चीज़ें थी, जिन विवादों के में वो फंसते थे, जैसे कि उन्होंने अगर लेटेस्ट में देखे तो ये एक उनका ट्रेंड था कि हिंदुओं की भावनाएं आहत हो रही है, उस वजह से वो कई बार यूट्यूब चैनल पे वीडियोस डालते थे जिसमें बहुत चिक चिक के कह रहे होते थे, आक्रोशित से नज़र आ रहे होते थे, हालांकि वो एक एक्ट जैसा लग रहा होता था क्योंकि हमने टीवी पे उनके जो एक्ट्स देखे थे लिटरली वो वैसा ही वहाँ भी कर रहे होते थे। तो हमको, हमारे लिए फ़र्क कर पाना मुश्किल था कि ये जो कर रहे हैं ये जेन्युइनली कर रहे हैं या जिस राजनीतिक पार्टी से वो जुड़ गए हैं, पहले वो सपा से जुड़े थे फिर बीजेपी से जुड़े, उसके नाते वो कर रहे हैं अपने नंबर्स बढ़वाने के लिए। तो ऐसे बहुत से किरदार थे। फिर बिग बॉस में जो उनका कमेंट था जो सबसे ज़्यादा विवादित था, जिसमें उन्होंने शिल्पा शिंदे को बोला कि भाई तुम माँ बनने का इतना शौक है तो बाहर आओ, शक्ति कपूर तुम्हारा इंतजार कर रहा है, ये बहुत बैड टेस्ट में था। बाद में सफाई दी लेकिन वो सफाई कारगर साबित नहीं हुई। पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के तौर पे वो भगवंत मान और अखिलेश यादव के बारे में उन्होंने कई बातें बोली, वो बहुत ज़्यादा कोई मायने नहीं रखती क्योंकि पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के बारे में आप कहो, यही आपका काम है। ऐसे बहुत सारे विवाद थे जिनमें वो प्रो हिंदू साउंड करने की अत्यधिक कोशिश करते थे, जबकि जिस दौर में वो बॉम्बे में कॉमेडी करते थे तब बहुत निरपेक्ष भाव से वो कॉमेडी करते थे, वो कहीं पे भी पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं नजर आते थे जब भी वो किसी धर्म विशेष के व्यक्ति की बात करते थे या किसी और चीज़ की बात करते थे। लेटली वो अपनी राजनीतिक आग्रहों के प्रति ज़्यादा दिखते थे। पिछले कई महीनों से राजू की तबीयत नासाज थी। एक दिन अचानक उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वो अस्पताल में भर्ती हो गए। फिर 21 सितंबर 2022 को कॉमेडी का ये सितारा हमेशा के लिए बुझ गया। लेकिन राजू अपने पीछे व्यंग और चुटकुलों की वो विरासत, वो कला छोड़कर गए हैं जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी। राजू श्रीवास्तव कॉमेडी का वो नाम है जिसे देखकर लोगों ने स्टैंड अप कॉमेडी करना सीखा, जिनकी कॉमेडी आज भी आपको पुरानी नहीं लगती। गजोधर कहने का उनका अंदाज आज भी हमें गुदगुदाता है और कहता है, अरे ओ गजोधर, अगर अमिताभ शोले में गब्बर होते तो कैसे होते। खैर, नामी ग्रामी का सफर यहीं तक। आपको यह हमारा एपिसोड कैसा लगा? कोई सुझाव है या शिकायत है तो लिख भेजिए radio@aajtak.com पर। इस एपिसोड के लिए रिसर्च, स्क्रिप्टिंग और प्रोडक्शन का काम किया है सूरज कुमार ने, साउंड मिक्सिंग की नितिन रावत ने। मैं अमन गुप्ता अब आपसे इजाजत चाहूंगा। सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार। धरती चौकोर नहीं, गोल है। बरमूडा ट्रायंगल में कुछ तो झोल है। ब्लू स्काई में समंदर का रोल है। आपको पता है कोहिनूर का क्या मोल है? मोटी किताबें मत उठाइए, गूगल भी मत चलाइए, बस आज तक रेडियो पर ज्ञान ध्यान लगाइए। हर वेंसडे से संडे रोज लगेगी क्लास एप्पल पॉडकास्ट, विंक म्यूजिक, स्पॉटिफाई, जियो सावन और गूगल पॉडकास्ट पर।